अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। नमस्कार, मी मेघना खाप, कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर मग नजर टाकूया शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक घडामोडींवर। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। भारत सरकारद्वारे आता संपूर्ण देशात 500 आणि 1000च्या नोटांवर पूर्णपणे बंदी आणण्यात आली आहे। भारत सरकारद्वारे घेतलेल्या या निर्णयानंतर संपूर्ण देशात एकच खळबळ उडाली आहे। तसेच नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे केल्या गेलेल्या या घोषणेनंतर नागरिक लगेचच पैसे जमा करताना दिसले। 500 व 1000च्या नोटांवर सरकारद्वारे बंदी, 500च्या नवीन नोटा येणार बाजारात, 2000च्या नोटा आता येतील बाजारात व्यवहाराकरिता, 2 दिवस बँका आणि ATM बंद। मैं अभी उल्लासनगर 2 के बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के ATM के नीचे खड़ा हुआ हूँ। मेरे पास 4000 रुपया अभी कैश है, वो मैं यहाँ पे अभी डिपॉजिट करवा रहा हूँ। जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं, इसके लिए मैं चाहूँगा कि सब लोग इसमें जमा करवा दें और अपना पैसा वाइट करवा दें। मोदी जी ने हमको 50 दिन 30 दिसंबर तक का मोहलत दिया हुआ है, आप 30 दिसंबर तक पैसा जमा करवा सकते हैं। जैसे कि सब लोगों को पता है कि पूरा संसार का व्यवहार पैसे के ऊपर चलता है, इसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए सब लोग डर रहे हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी जमा हो जाए। जैसे मुझे मालूम पड़ा नोट बंद हो रहा है 500 1000 का, मैं अंदर स्पॉट ऑफिस से आया, बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा डाल रहा हूँ। ये डिसीजन बराबर नहीं है, ये मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अंदर स्पॉट रिजल्ट नहीं होना मांगता है। मैं पैसे जमा कराने आया हूँ। आपको क्या लगता है, ये डिसीजन सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा अच्छा, कितने पैसे आप जमा करवा रहे हैं? 10000। 10000, और आपके पास कितना कैश है? बस उतना ही है। देशातील काळाधन बाहेर काढण्यासाठी तसेच नकली मुद्रांचे चलन थांबवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार पूर्णपणे बंद करण्यासाठी मोदी सरकारद्वारे आता देशात 500 आणि 1000च्या नोटांवर बंदी आणण्यात आली आहे। मात्र 11 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत रेल्वे स्थानकांवर 500 आणि 1000च्या नोटा स्वीकारल्या जाणार असल्याचेही मोदी सरकारद्वारे घोषित करण्यात आले आहे। पाहूयात सविस्तर बातमी। हम इस वक्त मौजूद है उल्लासनगर स्टेशन के ठीक बाहर, जहाँ पे मोदी सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था, यानी कि 500 और 1000 के नोट जो बंद होने वाले हैं, उसके बाद क्या हाल है यहाँ पे वो देखने के लिए हम आए हैं। और यहाँ पे ये पता चला कि रेलवे स्टेशन पे, जैसे मोदी सरकार द्वारा ये कहा गया, ये निर्णय लिया गया कि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आपके 500 और 1000 के नोट जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, स्वीकारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत से केसेस में उन्होंने किए भी है स्वीकार, लेकिन मॉर्निंग से अब तक बहुत लोड आने के कारण रेलवे जो काउंटर से टिकट काउंटर्स उन पे, तो अभी चेंज जो है टिकट काउंटर्स से नहीं मिल पा रहे, जिसमें पैसेंजर्स में काफ़ी परेशानी है, काफ़ी भड़की हुई है जो पैसेंजर्स है, जो पब्लिक है यहाँ की, वो काफ़ी भड़की हुई है। और इसके बावजूद हम यही कहेंगे, अगर किसी को अर्जेंट कहीं जाना है और अमाउंट जो है वो रीज़नेबल है, तो यहाँ पर आपको 500 और 1000 के नोट स्वीकारे हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपकी अमाउंट कम है तो शायद ही आपके जो पैसे है वो यहाँ पर स्वीकारे जाएंगे। आपके 500 रुपये एक्सेप्ट हुए? नहीं, वो बोल रहे कि
₹500 मेरे को एक ही टिकट निकलना है, ₹250 का टिकट होता है, ₹250 छुट्टा नहीं है। कम अमाउंट है तो ₹500 एक्सेप्ट नहीं होंगे और एल्स होंगे। ₹500 आपके एक्सेप्ट हो रहे सर? हाँ ये हो रहे, हो रहे। 500 भी ले रहे, 1000 भी ले रहे। हम लोग का है जो ऊपर का वो छुट्टा पैसे दे देते हैं। अच्छा। वो कोऑपरेट कर रहे हैं, वैसे वो ना नहीं बोल रहे हैं, वो कोऑपरेटिव कर रहे हैं। ऊपर छुट्टा नहीं दे रहे, ऊपर मांग रहे हैं वो आप, वो नहीं दे रहे छुट्टा, नहीं दे रहे 40-50 150 छुट्टा नहीं दे रहे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ₹500 तो एक्सेप्ट हो रहे लेकिन चेंज यहाँ पे उनको नहीं मिल रहा है। हालांकि हम यही देखेंगे कि अगर ये जो है बर्डन यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पड़ सकता है तो ऐसे में इनकी तरफ से ये एक्शन जायज है। हमारे साथ कुछ रेल प्रवासी मौजूद है जिन्हें अर्जेंट कहीं पे जाना है लेकिन यहाँ पे जो है टिकट काउंटर से उन्हें टिकट्स नहीं मिल रही है, कह के उनके पास चेंज नहीं है। सर क्या हो रहा है आप? हमारे को टिकट नहीं दे रहे हैं, बोल दे हमारे पास छुट्टा नहीं है, अगर छुट्टा नहीं है तो काउंटर बंद कर दो, हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाना है आपको? हमको जाने का है मथुरा। अच्छा, और टिकट्स का क्या रेट पड़ता है? टिकट का हमको दादर का टिकट निकालने का है। अच्छा। अभी 4 बजे की हमारी गाड़ी है, 4 बजे की गाड़ी है। कुल कितने लोग हैं? हम लोग 8 जने हैं। अच्छा, तो 8 जनों का फिर टिकट दे सकते लेकिन वो नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, बोल रहे हमारे पास छुट्टा नहीं है। क्या आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहेंगे ना, अगर आपके पास छुट्टा नहीं है तो काउंटर क्यों खोला रहेगा आपने? हाँ, या तो हमको लिख के दो नोट पे, आपको लिख के दे दो कि हम लोग पैसा नहीं देंगे। हाँ नहीं, हमारे पास चेंज नहीं है, नोट पे लिख के दो, हम जाते हैं ऐसे ही, क्या करेंगे हम? हम लोग बोलता है कि आपको रेलवे काउंटर पे पैसा मिलेगा, इधर पैसा मिलेगा, डाक पे पैसा मिलेगा, बैंक बंद, रेल डाक बंद, किधर मिल जाएगा? गुस्सा भी जायज है क्योंकि 2 दिनों तक जो बैंक बंद है उससे अगर उन्हें नोट एक्सचेंज करे नहीं है तो वो करेंगे कैसे, और ऐसे में अगर उन्हें अर्जेंट कहीं पे जाना है तो वो जाएंगे कैसे? रेलवे स्थान का समवेत पेट्रोल व सीएनजी पंप तसे सरकारी रुग्णालय ही 500 व 1000 नोटा काही काळ स्वीकारल्या जाणार आहेत, मात्र सुट्टे पैसे मिळत नसल्यामुळे नागरिकांना पेट्रोल पंप वर ही असुविधा होत आहे। इस वक्त हम मौजूद है उल्लासनगर 3 के 17 सेक्शन के पेट्रोल पंप में, जहां पे आपको नागरिकों की लंबी कतार देखने में मिलेगी, लोगों की भारी भीड़ यहां पे आपको देखने में मिलेगी। ये भीड़ यहां पे इसलिए लगी हुई है क्योंकि सरकार द्वारा जो 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं, बंद हो गए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे सरकार द्वारा ये भी निर्णय लिया गया था कि 11 नवम्बर तक जो है पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे जगहों पर 500 और 1000 के नोट स्वीकारे जाएंगे। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है यहाँ पे नागरिकों को कि यहाँ पे पेट्रोल पंप वाले जो है सिर्फ और सिर्फ ₹500 का ही पेट्रोल उनको भरवा के दे रहे हैं, यानी कि अगर उनको 500 के अंदर अगर पेट्रोल भरवाना होगा तो नागरिक यहाँ पे नहीं भरवा सकते क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल पंप वालों के पास चेंज नहीं है, ऐसे पेट्रोल पंप धारकों का कहना है, जिसकी वजह से भी नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है और सबको यही करना पड़ रहा है कि 500 का ही पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है और कुछ लोग जो है 500 के नोट यहाँ पे स्वीकारे जाएंगे इसके लिए जानबूझ के यहाँ पे आ रहे हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने के लिए, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। कितने का पेट्रोल आपको भरवाना था? 250 का भरवाने का था। नहीं, 500 का नहीं ले रहे? नहीं, छुट्टे नहीं है। हाँ, गलत है या सही है आपका जाने? ये गलत है ना। कितने का पेट्रोल भरवाना है आपको? ₹200 का मैडम। तो यहाँ पे लेने वाले वो लोग 200, आपके जो ₹500 है वो? अभी देखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ मैडम मैं। हाँ, नहीं लिए इन्होंने तो आपका क्या कहना रहेगा ऐसे में? मैडम देखो, नहीं उन्होंने, उनको तो लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने ये किया है कि पेट्रोल पंप पे उनको 500 या 1000 का नोट ऐसा ये नहीं है, इनको लेना अलाउड है मैडम। कुछ लोग क्योंकि उनके 500 के नोट फिर चले जाएंगे इसके लिए आ रहे हैं। मैडम देखो, चलेगा नहीं ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने को टाइम दिया है, चलेगा नहीं ये गवर्नमेंट, ये लोगों की खाली गलत सोच है, नोट चलेगा, गवर्नमेंट ने जैसा टाइम दिया वैसा पे चलेगा मैडम। मुझे 200 का डलवाना था लेकिन मुझे ज़बरदस्ती 500 का भरवाना पड़ा क्योंकि मेरे पास 500 का नोट था तो उन्होंने कहा मेरे पास छुट्टे नहीं है। शहर भर में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, हर पेट्रोल पंप पे, हर राशन वालों के जगह पे, हर एक जगह पर ये हाहामारी हो रही है नोटों की। नागरिकों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ 500 का ही पेट्रोल भरवाया जा रहा है, क्यों ऐसे हो? हमारे पास चिल्लर है ही नहीं ना चलाने के लिए, नहीं है ना। नागरिकों को क्या करना चाहिए? अभी क्या करें, अभी 1500 का ही नोट दे रहे, जैसा चिल्लर आ रहा है जैसा दे रहे हैं हम लोग भी, नहीं है हमारे पास। नहीं, सवेरे से चालू है, सही सवेरे से चालू है। देशात 500 आणि 1000 नोटांवर अचानक बंदी आणल्यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, जसे वीज बिल भरणा केंद्रांमध्ये 500 आणि 1000 नोटा स्वीकारल्या जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे।
पाहुयात सविस्तर बातमी। हम इस वक्त मौजूद है उल्लासनगर 3 के 17 सेक्शन परिसर के 20 बिल भरना केंद्र में, जहाँ पे नागरिक जो है अपना लाइट बिल जो है वो भरने आए। लेकिन यहाँ पे टोटली एक बोर्ड लगाया गया, एक नोटिस लगाई गई है, जहाँ पे लिखा गया है कि 500 और 1000 के नोट्स यहाँ पे स्वीकारे नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो लास्ट डेट जो कि 10 है, तो ऐसे में नागरिक करे तो करे क्या? अगर उन्हें टाइम के पहले अपना बिल भरना है तो वो कैसे भरे? क्योंकि 500 और 1000 के नोट सरकार के दफ्तर में ही अगर यूज़ नहीं होंगे, स्वीकारे नहीं जाएंगे, तो नागरिक जाएंगे क्या? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या कहोगे यहाँ पे, आपका बिल का अमाउंट नहीं लिया जा रहा है? हमने बिल भरने के लिए अभी नोट यही रखे हुए हैं, हम कहाँ से लें 100-100 के नोट इनके लिए? एक दिन में हम कहाँ से पैदा करें 100 के नोट? ये गवर्नमेंट ऑफिस है, इनको लेना चाहिए एक्चुअली, लेकिन ये नहीं ले रहे हैं। अब अचानक ये नोटिस इन्होंने बोर्ड लगा दिया, नहीं लेंगे। अब पब्लिक को क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए हमें। बिल 5500 है, मेरे पास 5500 रुपीज़ हैं यहाँ पे, मैं दिखा सकता हूँ आपको। उसमें से 500 के नोट मेरे पास 100-100 के नोट हैं, बाकी 5000 रुपये 500 और 1000 के नोट है, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऐसे में आप क्या चाहते हो, कि डेट की ड्यू बढ़ाई जाए या फिर इन्होंने स्वीकारना चाहिए? जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो ऊपर से ऑर्डर दिया हो, एटलीस्ट वो तो एक्सेप्टेबल हो। अगर वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो पब्लिक जाएगी कहाँ? पेट्रोल पंप पे वो लोग नहीं ले रहे क्योंकि उनके पास चेंज नहीं है। यहाँ पे हम इनसे चेंज मांग नहीं रहे, पूरे पैसे इनको पूरे दे रहे हैं, चेंज थोड़ी, रिटर्न हम लोग चेंज मांग रहे हैं। रिटर्न चेंज मांगे तो इशू बना है। अब इशू क्यों है हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम पूरे पैसे दे रहे हैं, चेंज मांग नहीं रहे रिटर्न में। सरकार बनवत्या सरकार नोटा, गरीब लोक थोड़ी ना घरून बनवत्या, पण त्यांना सोसायला पाहिजेत ना का, या नोटा पहिलेच नाही काढायला पाहिजेत होत्या। गरीब लोक काय करणार, कुठून काय काय करणार? पहिलेच तुम्ही 100 बंद केल्या, 50 बंद केल्या, 10 बंद केल्या, परत वापस चालू करणार, मग आम आदमी काय करणार? ते सरकारला समजायला पाहिजे। एक बंदे का बिल है, बैरेक नंबर 970, अभी इनके घर पे एक साहब गए कि अभी के अभी बिल नहीं बढ़ के आए तो इनका लाइट डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पे अमाउंट लेके आए, 500-1000 के नोट है इसके पास, इसने अरेंजमेंट किया, इसको 500-1000 के नोट है। कल भी ये बंदा भरने आया था, बट इसके पास को जो एक साहब की साइन चाहिए थी, धनकर साहब करके उनकी एक सिग्नेचर चाहिए थी, तो वो साहब नहीं मिले इसको। आज ये बंदा आया है, कल तक जो नोट चालू थे साहब नहीं मिलने गए, जैसे वो बिल पेड नहीं कर सका अपना, बट अभी साहब मिलेगा, 500-1000 के नोट लेगा क्या वो? तो यहाँ पे 500-1000 के नोट एक्सेप्ट नहीं करे, जबकि न्यूज पे दिखा रहे हैं कि 11 नवंबर तक नोट एक्सेप्ट करेंगे लोग। अभी इनको अंदर में बैठना पड़ेगा, अगर लाइट बिल कट दिया तो। लाइट बिल अगर काट दिया तो वही बंदा अभी किधर जाएगा? ये 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद नागरिकों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे हालांकि 11 तारीख तक जो है कहा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस रहेंगे वहाँ पे आपके नोट एक्सेप्ट होंगे, स्वीकारे जाएंगे, लेकिन उल्लासनगर शहर में ये देखा गया है कि जो लाइट बिल भरते हैं जहाँ पे वो ऑफिस जो है वहाँ पे लाइट बिल भरे नहीं जा रहे। तो हमारे साथ कोई नागरिक है, हम उनसे जानेंगे। सर आप गए थे वहाँ पे बिल भरने, क्या कहा उन्होंने? कहा नहीं, माना उधर लिखा हुआ है भाई 500 और 1000 नोट के कारण बैंक बंद है, माना तो वो बंद है ऑफिस। हाँ वो बंद ही है, काउंटर ही बंद है। हाँ, मतलब वहाँ पे किसी ने बात करने की आपको? कोई है ही नहीं, वो तो ऑफिस अलग है ना, वो जो काउंटर है वो अलग है। और लास्ट डेट क्या है? 10 तारीख। 10 तारीख हाँ, 10 है ना, है ना बिल, देखो ना। तो अगर हाँ, आपको आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी कि आपकी जो डेट है वो बढ़ाई जाए या फिर ये जो है वही स्वीकार? बढ़ाई जाए, माना कहने का मतलब ये नहीं जाएगा तो फिर वो डबल हो के आएगा बिल, तो आदमी तो भरेगा तो डबल ही, ये तो समझो नहीं मैंने भरा तो वो कुछ भी नहीं सुनवाई होगी। माना अगर मैं ये भरता हूँ तो मेरा पैसा कम होएगा ना, वो उसके बाद डबल होएगा और रेट डबल लगेगा। यानी फिलहाल स्वीकारना चाहिए? नहीं होता है ना, स्वीकार होना चाहिए ना, माना कहने का 500 नोट लेना चाहिए पर वो काउंटर ही बंद है। 500 आणि 1000 नोटांवर बंदी आणल्यानंतर 2 दिवस सतत संपूर्ण देशातील बँका आणि ATM बंद असणार आहेत। मात्र 11 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर तुम्ही आपल्या जुन्या नोटा बँकेमध्ये भरू शकतात। भारत सरकार द्वारा जो 500 और 1000 के नोट बंद का निर्णय लिया गया है, उसके बाद जो है आज पूरे देश भर की जितने भी बैंक्स है और ATM जो है वो पूरी तरीके से बंद है। इसके बाद यानी 11 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप अपनी जो भी कैश है आपके पास, जो 500 और 1000 के नोट आपके पास है, वो आप बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके डिपॉजिट कर सकते हो, जिससे आपको जो आपके पास कैश है वो आपको एक्सचेंज करके मिलेगी। क्योंकि सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 500 और 1000 के नोटों के ऊपर पूरी तरीके से बैन आ गया है। इसके बाद
500 के नए नोट आने वाले हैं, भारत सरकार लॉन्च करने वाले, और उसके साथ ही साथ 2000 के नए नोट आने वाले। लेकिन यहाँ पे नागरिकों को काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि बैंक बंद होने के कारण उन्हें तुरंत नोट एक्सचेंज करके नहीं मिल रहा है, और कोई पहले जानकारी नहीं दी गई थी सरकार द्वारा कि ऐसा कुछ निर्णय सरकार द्वारा लिया जाने वाला है। इसकी वजह से नागरिकों को तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्हें जो भी व्यवहार करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे मार्केट में ये नोट स्वीकारे नहीं जा रहे, तो जो भी व्यवहार नागरिकों को करना पड़ रहा है वो व्यवहार वो नहीं कर पा रहे, और उनकी वजह से पूरा मार्केट भी ठंडा होता नजर आ रहा है। देशात 500 आणि 1000 जुन्या नोटा बंद झाल्यानंतर शहरातील बाजारात सुकसुकाट पसरलेला पाहायला मिळाला, तसेच शहरातील सोनारा बाजार पूर्णपणे बंद असलेलेही आढळून आले। इस वक्त हम मौजूद है उल्लासनगर 2 के प्रसिद्ध नेहरू चौक परिसर में, जो कि शहर का मेन बिजनेस हब माना जाता है। लेकिन 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद जो है पूरा मार्केट ठंडा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त फिलहाल वक्त हो रहा है शाम के 5, और जैसे ही अगर साधारण दिन होता है तो 5 बजे से यहाँ पर लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है शॉपिंग के लिए या फिर ख़रीदारी के लिए। लेकिन आज जब 500 और 1000 के नोट नहीं स्वीकारे जा रहे पूरे मार्केट में, तो पूरा ठंडा है। नागरिकों की इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही है। जो दुकान है आप देखोगे पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं, वहाँ के जो काम करने वाले हैं फिर जिनकी दुकान है वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि 500 और 1000 के नोट हम ले नहीं रहे और नागरिक इस कारण आ नहीं रहे, और उनको भारी चेंज देना पड़ता है। अगर छोटी मोटी अमाउंट रहती है तो वो नहीं दे पा रहे हैं, और 500 और 1000 नोट नहीं स्वीकारे जाएंगे तो कैसे नागरिक आएंगे और कैसे क्या करेंगे। यानी कि जब तक बैंक्स ओपन नहीं होती है, जब तक आप अपने नोट्स एक्सचेंज नहीं करते, तब तक इस तरह से बाजार पर यही प्रभाव होता नजर आएगा। 500 और 1000 के नोट सरकार द्वारा पूरी तरीके से बंद होने के बाद उसका पूरा असर शहर के मार्केट पे होता नजर आ रहा है। जैसे कि हमने देखा कि मेन मार्केट जो था वो ठंडा था, उसी के साथ उल्लासनगर 2 का जो प्रसिद्ध सोनारा मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद है। यानी कि यहाँ पे जितने भी ज्वेलर्स की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, वो सारे के सारे ज्वेलर शॉप जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बंद है। कुछ यहाँ पे दुकानदार पे मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है। सर क्या कहोगे, क्यों ये निर्णय लिया? निर्णय इसके लिए लिया हुआ है क्योंकि सब 500 और 1000 वाले नोट जो बंद हो रहे हैं, तो हर कैरेंग के पास 500 और 1000 के नोट हैं, तो उसके वजह से ये दुकानदार हैं हमारे जो सोनार गले की हैं, ज्वेलर्स वाले हैं, जैसे साईं बाबा ज्वेलर्स हुआ, महालक्ष्मी ज्वेलर्स हुआ, एसमोदा ज्वेलर्स, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स वाले हैं, तो तभी सब लोग ने एश्योरेंस के लिए लिया कि ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या किस क्लाइंट से कैसे क्या लेना है क्या नहीं देना है, इसके इस वजह से किस कारण से बंद है। कितने दिनों तक बंद रहेंगे? ये कुछ बोल नहीं सकते कितने दिनों के लिए बंद रहेंगे। जैसे अभी आप 1-2 दिन में जैसे बैंक बंद है, बैंक खुलेगी, बैंक का क्या डिसीजन आएगा उसके बाद ही हम कुछ आगे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन शादी का सीजन चल रहा है, जैसे वेडिंग सीजन चल रहा है, तो नागरिकों को बहुत तकलीफ होगी इस बारे में, तो क्या कहोगे? शादी का सीजन चल रहा है, नागरिकों को तकलीफ हो रही है, हम भी बात मान रहे हैं, पर क्या करें, अभी हमको भी तकलीफ है तो उनको भी थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहरातील सपना गार्डन परिसरातील सिंधडी सागर या इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर आता उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे शहरातील सर्वच धोकादायक इमारतींना विशेष सूचना आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली। पाहूयात सविस्तर बातमी। जिस तरीके से जो लगातार बिल्डिंग गिर रही है, तो उसके लिए जो अभी आपने महानगर पालिका द्वारा जो कि आह्वान निकाला, किस प्रकार का आह्वान है सभी सोसाइटीज के लिए? नहीं, जो बिल्डिंग्स है जो पुरानी हो चुकी हैं, उनकी वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है। इसकी बहुत सारे वजह है, कुछ उनकी जब कंस्ट्रक्शन के वक्त जो मटेरियल यूज़ किया है वो डिफिशेंट मटेरियल होना, उस समय जो रेती यूज़ की है वो सॉल्ट मिश्रित, नमक मिश्रित जो थी उसके वजह से वो स्टील और उसका जो मॉर्टर है उसको वीक कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो टेक्निकल के अलावा जो ह्यूमन इंटरफेरेंस से हो रही है, वो एक वहाँ पर कोई भी इंटीरियर रिपेयर्स वगैरह करना, कॉलम बीम का ध्यान नहीं देते हुए कहीं भी उसका लोड बढ़ाना, फिर वो वॉल्स स्लैब के ऊपर बनाना, इसके वजह से उसका स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। और लोग पानी की टंकी हर एक फ्लोर पे, हर एक फ्लैट में 2-2, 3-3 या 5-5 हज़ार तक लीटर की वो बनाते हैं, जिससे अराउंड 3-5 टन का वजन वहाँ बढ़ता है। तो इसके वजह से भी बहुत सारा वो लोड विदाउट एनी एक्सपर्ट कंसल्टेशन
बिल्डिंग का लोड बढ़ने से भी वो इमारत कमज़ोर होकर वो ऐसे अचानक हादसे हो रहे हैं। तो हमारे लोगों से ये निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्डिंग के साथ छेड़छाड़ वो ना करें। अगर कुछ उनको इंटीरियर जो भी वुडन वर्क वगैरह लिमिटेड टू दैट करना है तो उसका उन्होंने प्रॉपरली RCC कंसल्टेशन से कंसल्ट करना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट से भी जब चाहे अगर उसकी ज़रूरत है तो हमारी परमिशन लेनी चाहिए। और किसी भी तरह से वॉल वगैरह स्ट्रक्चरल वगैरह काम जो है को किसी भी हालत में अपने बिल्डिंग में करने नहीं चाहिए। और अगर ये कहीं भी उनको नज़र आता है कोई उनका नेबर या कोई सोसाइटी का अन्य मेंबर तो ये तुरंत हमारे को उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सके और उसी वक्त उसको रोक सके। और एक सर, ये जो धोखाधड़ी बिल्डिंग है मोस्टली गिर रही है शहर में, उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान आपके पास है सर? अभी जो इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हैं मेरे ख्याल से वो ऑल जो एग्जिस्टिंग FSI है उसके अगेंस्ट दुगुना तिगुना काम वो कर चुके हैं। तो अगर उसको रीडेवलपमेंट में लेना है तो आदमी तभी सामने आएगा, कोई भी डेवलपर भी, जब उसको एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट थोड़ा ज़्यादा बनाने को फ्री सेल जिसको हम कहते हैं, जिसको वो कॉम्पेंसेट करे और एग्जिस्टिंग लोगों को कम से कम खर्चे में उसको रीडेवलप प्रॉपर्टी मिले। तो और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी अगर एग्जिस्टिंग ही उनका दो गुना बना हुआ है तो वो चाहेगा कि कम से कम मुझे उतना भी नए इसमें बनना चाहिए। तो अगर एग्जिस्टिंग 2 FSI फॉर एग्जांपल ही हैज कंज्यूम तो डेवलपर विल नीड एटलीस्ट 3 FSI और मोर देन 3 FSI सो दैट 2 FSI कैन बी गिवन टू एग्जिस्टिंग लोगों को और रिमेनिंग इसमें से वो फ्री सेल करके वहाँ वो कॉलोनी बना सके। तो इसको क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच में हम ले सकते हैं जिसमें 4 FSI 3 FSI जितना मतलब ज़रूरत है शहर को। सर, जब तक क्लस्टर इंप्लीमेंट नहीं होता तब तक उसको डेवलप करने के लिए आप परमिशन देंगे? एग्जिस्टिंग उसमें परमिशन दूंगा लेकिन वो लीगल परमिशन फिर तो वो एग्जिस्टिंग 1 FSI के अगेंस्ट ही देना पड़ेगा। तो जब तक इसके DCR में रूल्स में चेंज नहीं होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ नहीं बनती है और ये जो पॉलिसी है ये अन्य शहर के कंपैरिजन में उल्लासनगर के लिए डेफिनेटली कुछ अलग ही पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि किसी भी शहर में इतने बड़े तादाद पर इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं है और इतना बड़ा एग्जिस्टिंग और बनाया गया ये रेशियो में फ़र्क नहीं है। अन्य शहर में समझो 10-20-50% लोगों ने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ 1 FSI की जगह 2 FSI 2.5 FSI, जैसे अभी हम कल्याण अंबरनाथ रोड फॉर एग्जांपल लिया तो वहाँ जहाँ उसका एग्जिस्टिंग 1000 square foot का प्लॉट है तो उसने 3000-4000 foot बन काम किया है। तो यहाँ पर अलग ही सब पॉलिसी बनानी होगी। जब तक ये डेवलपमेंट हो एज पर ला तब तक ये जो इफेक्टेड पर्संस हैं जो लोग इस समय बेघर हुए हैं उनके लिए कोई महानगर पालिका से कोई प्रोविज़न है उनको सहायता देने के लिए? महानगर पालिका में प्रोविज़न तब होगी जब महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत होगी, जब महानगर पालिका को बेसिक काम करने के लिए पैसा नहीं है तो वो ये जो ज़्यादा लोगों की सुविधा चाहिए उसमें बारे में सोचना भी अभी पॉसिबल नहीं होगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। गोपाष्टमी निमित्त उल्हासनगर 5 येथील प्रसिद्ध स्वामी शांतीप्रकाश गौशाळेत भक्तांनी गौमातेचे दर्शन घेतले, तसेच यावेळी गायींना नैवेद्य देखील देण्यात आले। अजोके दिन भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर गायूं चारण शुरू कयूं, इन करे भारतवर्ष में अजोके ॾींहं जी अहमियत आहे। अजोके ॾींहुं गायनि जी पूजा कई वजे थी, उपासना कई वजे थी, उनके खाधो खाराया वजे तो आशीष वी वजे थी। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराजन श्री राधे श्याम गौशाला बर्पा कई, प्यारे हरगुणदास शिवदास जो योगदान रहो, 15-20 गायूं हुयूं, अज 15,000 गायूं आहिनि। इन वक्त राधे श्याम गौशाला जा प्रधान स्वामी देवकार महाराजन सदगुरु स्वामी शांतिकार महाराजन के असीम कृपा से, स्वामी देवकार महाराजन के आशीष से, सभी संतन ए भार भेनर के सहयोग से यह गौशाला फली फूली है। वंश एतरो वधी वो है जो नासिक में इन गौशाला जी ब्रांड स्वामी शांति प्रकाश गौशाला बर्पा कई वही है, जिसे इन वक्त अटकल 800 गायूं गाभा पेल रहन था।
प्रभात का वी शाम तीन हजारे भावर भेनर गौ माता के दर्शन ला आया है। गौ माता में 23 करोड़ देवता जो वासो है। गाय जो खीर खीर ना है, अमृत है। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। येत्या 23 नोव्हेंबरला आहे सत्यसाई बाबा यांचा जन्मदिवस। याच निमित्ताने सत्यसाई सेवा समितीद्वारे विविध सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। पाहूयात सविस्तर बातमी। 10 तारीख नवंबर के हम लोग सुबह को 9 बजे सत्यसाई सेंटर पर भगवान के पादुका की पूजा करने वाले हैं। सुबह को 9 बजे गंगा दर्शन बिल्डिंग 2nd फ्लोर नेहरू चौक। आप सभी उसमें हमारे साथ ज़रूर उपस्थित रहिए। उसके बाद 12 और 13 तारीख को 24 घंटे का अखंड भजन होगा। उसमें सुबह शनिवार शाम को 6 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होता है, रात को रविवार शाम को 6 बजे तक, और पूरी रात भी उसमें भजन चलता रहता है। शनिवार 12 तारीख से रविवार 13 तारीख तक आप सभी को हमारा हार्दिक निमंत्रण है कि उसमें ज़रूर आइए। उसके बाद 18 तारीख नवंबर की हम लोग गाँव में जाकर सेवा करेंगे। अनाज की कुछ पैकेट्स बनवाकर हम यहाँ से सारे साई भक्त बाबा का भजन गाते हुए निकलेंगे, और जो हमारे गांव है वहाँ पर आदिवासियों के साथ हम लोग 18 तारीख को सुबह को 9 बजे गाँव में जाकर सेवा करेंगे। 19 तारीख बड़े खुशी के साथ कह सकते हैं कि महिला डे है। उस दिन शिरडी बाबा के साथ जो हमारे श्यामा जी थे, हम सभी जानते होंगे उनके नाम के बारे में, उनकी ग्रैंड डॉटर श्रीमती शुल्बा शुक्ल यहाँ पर आएंगे और रोटरी मिड टाउन में आकर हमारे साथ संकीर्तन करेंगे। उसके बाद 23 तारीख को भगवान बाबा का जन्म का दिवस है। वो दिन पूरा ही दिन उल्लासनगर में कई जगहों पर हमारे कार्यक्रम हैं। सुबह को 6 बजे भगवान का जगाया जाता है एक अलग तरीके से, सुप्रभातम गाकर वेदास चांद करके भजन गाकर। उसके बाद कार के रैली निकलती है, सारे साई भक्त भगवान को एक झूले में विराजमान करके उनका झूला पूरा झूलता चलता है। 2 नंबर के हमारे नेहरू चौक के सेंटर से निकलता है और हम लोगों की यह यात्रा चलती है 5 नंबर सेंटर तक, वहाँ पर समापन होगी। सुबह को 8 बजे ये यात्रा शुरू होगी। हम सभी की तरफ से आपको निमंत्रण है कि अपना जो भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कुछ भी है, आप आकर हमारे साथ उसमें सम्मिलित हो जाइए। उसके बाद मॉरल गांव में हमारा भजन है 12 बजे से 1 बजे तक। वहाँ पर भी मॉरल गांव वाले भजन गाकर बाबा का जन्मदिन मनाने वाले हैं। फिर हमारे टाउन हॉल में अजनीश जी जो पुट्टपर्ती में भगवान श्री सत्य साई बाबा के सामुख भजन गाते थे, उनका वो सौभाग्य था, वो हमारे साथ आ रहे हैं उल्लासनगर में भजन का संध्या मनाने के लिए भगवान की टाउन हॉल में शाम को 7 से 9 बजे तक। भाइयों और बहनों, यहीं पर हमारे कार्यक्रम समाप्त नहीं होते, क्योंकि बाबा का नामकरण रखना तो अभी बाकी है, 56 भोग लगना बाकी है। शाम को 28 तारीख सोमवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे, और हम आप सभी को हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि आप सारे कार्यक्रमों में आकर हमारे साथ सहभागी हो जाइए और हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा का जन्म उत्सव मनाने में हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। आता एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर। उल्लासनगर 1 बेबस चौक परिसर में गिरधारी पेशवानी नामक व्यक्ति के घर में घरफोड़ी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात चोर दरवाजे का ग्रिल तोड़कर घर में घुसे और घर में कुल 90,000 की चोरी कर वहां से फरार हो गए। ये पूरा मामला उल्लासनगर 1 पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 454, 457 और 380 के तहत इन अज्ञात चोरों की खोज कर रहे हैं। उल्लासनगर 2 लबाना पाड़ा परिसर में सोनू गिल नामक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि उन्हीं के दोस्त ने पुरानी दुश्मनी निकालते हुए सोनू गिल के साथ मारपीट की। पूरा मामला उल्लासनगर 1 पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 323, 324, 504 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 5 परिसर की रामूबाई पाटिल नामक महिला के साथ दहेज के लिए उत्पीड़ित किए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि संबंधित महिला को बार बार उनके ससुराल वालों की ओर से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़ना दी जा रही थी और बार बार फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने मायके से पैसे लाए।
ये पूरा मामला हिलन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 498A, 304 और 306 के साथ ही साथ 34 के तहत रामूबाई पाटिल के ससुराल वालों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर आजच्या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। पाहत रहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।